दोस्तों, सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा 22 साल बाद थिएटर में दोबारा रिलीज हो चुकी है। वही गदर 2 इस साल 11 अगस्त को सिनेमा घरों में दस्तक देगी, लेकिन रिलीज से पहले ये फिल्म विवादों में फंस चुकी है। गदर 2 के एक सीन पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने एतराज जताया है। दोस्तों, समिति का कहना है कि सनी देओल ने गुरुद्वारे की मर्यादा का उल्लंघन किया है। समिति ने अब सनी देओल के साथ साथ फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की है। दरअसल दोस्तों, गदर 2 की टीम ने हाल ही में अमीषा पटेल और सनी देओल के बीच कुछ रोमांटिक सीन पंचकुला स्थित एक गुरुद्वारे के अंदर शूट किए है और इस सीन को आपत्तिजनक बताया गया है। इस रोमांटिक सीन के अलावा एक और सीन पर विवाद हुआ है दोस्तों, जिसमें गैर सिख युवाओं को निहंत सिंह के कपड़े पहनाए गए है और वह गलका कर रही है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सचिव के मुताबिक ये गलत है। दोस्तों, गदर 2 के जिस सीन पर बवाल हो रहा है उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सनी देओल और अमीषा पटेल गुरुद्वारे के अंदर बाहों में बाहें डाले दिखाई दे रही है। दोस्तों, फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और गले लग जाते हैं, इसी पर बवाल मच चुका है। दूसरे पक्ष के मुताबिक अगर किसी फिल्म या किसी अन्य चीज की शूटिंग गुरुद्वार में की जाती है तो उन्हें गुरुद्वारे की मर्यादा में ही रहकर शूट किया जाता है। लेकिन दोस्तों, गदर 2 के लिए सनी देओल और टीम ने मर्यादा का उल्लंघन किया है। सनी देओल और अमीषा पटेल के सीन को भी आपत्तिजनक बताया गया है।